यहाँ के लोगों का फेवरेट रेस्टोरेंट जिसका नाम है चिकलेट। और दोस्तों पहले तो इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ, ये लोकेशन है दोस्तों, ये है सहारनपुर का दिल्ली रोड। और थोड़ा सा इधर होकर दिखाते हैं हल्का सा, ये सामने है वी मार्ट दिल्ली रोड पे, और वी मार्ट के बिल्कुल सामने ये है हमारा चिकलेट रेस्टोरेंट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं वैसे कल रात भी यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आया था, लेकिन ये दोस्तों शाम के टाइम यहाँ इतना ज़्यादा रश रहता है कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। और क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है, इसका एक रीज़न है, यहाँ का टेस्टी खाना। तो चलो हमारे साथ, आपको खाना दिखाऊंगा भी और खाऊंगा भी, कौन कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो लोगों में यार इतना ज़्यादा फेमस हैं कि यहाँ पे दोस्तों मुझे कल शाम वापस जाना पड़ा है और आज इसको कवर करने के लिए यहाँ आना पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ कवर करते हैं, आओ मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, बड़ा प्यारा सा ये व्यू है। ये इधर दिखा पहले आशू, ये है इनका किचन काउंटर, यहाँ पे फूड आता है उसके बाद लोगों को सर्व किया जाता है। ये मेन काउंटर है, यहाँ पे इनके ओनर बैठे हुए हैं। और ये प्यारी सी एक लाइटिंग वाइटिंग और ये डेकोरेशन एक बार आशू कोशिश करके दिखा, ये देख लो कितना प्यारा इस रेस्टोरेंट का व्यू है अंदर से। थोड़ा सा आगे चल के और दिखा दे आशू, ये सेटिंग अरेंजमेंट और ये साइड में जो बैम्बू थीम है ना, ये दिल जीत लेती है। और सामने वो ग्रीन कलर की जो आपकी सीनरी लगी हुई है, ये एक नेचुरल थीम देने की उसकी कोशिश की गई है। बड़ा बढ़िया सा एक थीम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में दी गई है। और यार यहाँ मैं जब भी आया मेरा तो दिल खुश हो जाता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का खाना भी है और ये रेस्टोरेंट नीट एंड क्लीन और वेल डेकोरेटेड ही रेस्टोरेंट का। ये बेहतरीन सा व्यू दिखाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये है इनका पार्टी हॉल। चल भाई इसको भी दिखा देते हैं एक बार, अंदर आ जा शू। और ये है इनका वेल डेकोरेटेड पार्टी हॉल। और यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक सी चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये यहाँ पे जब आप कोई फंक्शन करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो ये भैया ने उन्हीं के यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। आशु दिखा भी रहा होगा, देखो पास से काफ़ी सारे फोटोज़ लगे हुए हैं। आज भी कोई बर्थडे फंक्शन है, पर भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे अपने आप में यूनिक लग रहा है भाई, ये बिल्कुल अलग हटके है ये चीज़। ये देखो प्यारे प्यारे रहते अपने बच्चों के जब बर्थडे हुए होंगे ना, तो ये भैया ने उनके फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये किसी के शायद एनिवर्सरी वगैरह का फोटो मुझे लगता है ये होगा। तो वेल डेकोरेटेड तो यही दोस्तों। और यहाँ पे ये भैया ने जो अलग से कॉन्सेप्ट लिया हुआ ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम आ चुके भाई यहाँ पे काउंटर पे, काउंटर पे यहाँ के ओनर बैठे हुए हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। भाई अपना नाम बता दीजिए। यश है। और बाकी आपका नाम है? अंजलि। तो आप हमें यहाँ क्या सजेस्ट करोगे आज? आप आइए, इस टाइम लंच पे मिलता है, स्नैक्स में सिज़लर है, रेड पास्ता है, ओके, सैंडविचेस हैं, बर्गर जी, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है जी, लंच भी है, डिनर भी है जी, पनीर दाल सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इन्होंने हमें दे दिए यहाँ पे। तो हम अपने लिए एक तो सिज़लर ऑर्डर कर लेते हैं और बाकी आप लंच में हमारे जिसको कुछ अच्छा सा आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है जी। तो चलो भाई आशु आओ ट्राई कर लेते हैं। देखो भाई सिज़लर यहाँ पे आ चुका है। और ये देखो भाई कोशिश कर आशु, ये साउंड इसका हुआ प्रेजेंटेशन की कितनी बढ़िया, और ये साउंड देखो कोशिश कर कैप्चर करने की, ये देखो पॉपिंग हुआ, इसका साउंड आ रहा है। और काफ़ी सारे आइटम्स इस सिज़लर में हैं, एक बार मैं आपको पास से दिखा भी देता हूँ क्या क्या इसमें है। चलिए पहले उसको दिखाई देता हूँ भाई, बहुत बढ़िया, एक तो प्रेजेंटेशन ने इसकी दिल जीत लिया है। थोड़ा सा भैया आप बता भी दो हमको उसमें क्या क्या आपने इसमें दिया है। मैं वेज नूडल, अच्छा ये स्प्रिंग रोल हो गया, मंचूरियन, और ये चीज़ चिली। अच्छा वाह भाई, कितने सारे आइटम हैं इसके अंदर सिज़लर के अंदर। तो वो पॉपिंग साउंड यहाँ पे आया हुआ है, एक बार देख लो ये पॉपिंग साउंड आ रहा है। थोड़ा सा सिज़लर में से सब कुछ उठा लेता हूँ, ये रोल, थोड़े से नूडल्स, थोड़ा सा ये मंचूरियन बॉल्स, ये इधर से थोड़ा सा ले लेता हूँ इसमें, ये चीज़ चिली टिक्का जो है हमारा, ये भी इसमें है, थोड़ी सी इसकी ये ऑनियन उठा लेता हूँ। चलिए भाई भाई देखने में तो ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं अभी इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है, और एक ग्रीन चटनी जैसे कि मेरी फेवरेट है, मैं इसके ऊपर डाल ही लेता हूँ। और चलिए अब इसको खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मंचूरियन वाला पार्ट ले लेता हूँ उसका। भाई रेगुलर फास्ट फूड तो आप खाते ही रहते होंगे, पर ये जो स्नैक्स में सिज़लर है यहाँ का, ये मैं आपको बता देता हूँ हाईएस्ट सेलिंग ये आइटम यहाँ रहता है।
थोड़े से नूडल्स, नूडल्स भी इसी से ट्राई कर लेता हूँ, अलग से फोक नहीं लूँगा। और ये हमारा चीज़ चिली, हमारा जो था ये ले लेता हूँ। ये सुपर टेस्ट है इसका। वैसे तो आपको पता है इन सारे आइटम्स का अपना एक अलग से यूनिक टेस्ट होता है, पर भाई पता नहीं इनके सीजनल में क्या जादू के सारे टेस्ट आपस में मिल के ना एक लाजवाब, मैं आपको बता दूँ स्मेल भी इसमें लाजवाब है, इसका टेस्ट भी लाजवाब है। फिर से एक बार थोड़ा सा और ट्राई कर लेता हूँ अनियन के साथ। भाई ये नहीं मुझे पता वो कौन से सॉसेज हैं जो उसमें डाले हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें जहाँ पे जो मिक्स हुई है ना, मिक्स होने के बावजूद भी अपना उनका खुद का भी अपना जो टेस्ट है, और मिक्स होने के बाद जो एक अलग से यूनिक सा जो फ्लेवर है वो लाजवाब है भाई, इसका लाजवाब फ्लेवर है। और इसको तो ऐसे खा के देखता हूँ। भाई सारी की सारी चीज़ें जो उसके अंदर है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 10 out of 10 है, लाजवाब ये सीजलर है। यहाँ पे अभी लंच में भी भैया ने हमारे लिए कुछ भिजवाया, तो भैया से पूछ रहे थे भैया ये क्या है यहाँ पे, क्या भिजवाया आपने? हांडी पनीर है। हांडी पनीर स्पेशल है। अच्छा सर, आपके यहाँ का स्पेशल है ये सर? अच्छा, तो भैया हांडी पनीर है बता रहे, बहुत स्पेशल है। तो चलो भाई लंच में से भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अभी स्नैक्स तो हमने ट्राई किया ही था जो कि अपने आप में लाजवाब था, और अब ये हांडी पनीर यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। क्वांटिटी वाइज भी और देखने में तो भाई मैं बता ही रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त सारे आइटम, जैसे लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की हुई है यहाँ की, और मैं भी यहाँ पर रेगुलर आता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ उसको। और ये मैं ले लेता हूँ बटर नान थोड़ा सा, सिरके वाली प्याज भी रख लेता हूँ थोड़ी सी, और वही मेरी फेवरेट ग्रीन चटनी मैं रख लेता हूँ। चलिए भाई बाइट बनाता हूँ फिर टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चटनी, थोड़ा सा ये हांडी पनीर जो बता रहे भैया की स्पेशल है, पनीर बड़ा सॉफ्ट है भैया यहाँ का। तो चलिए भाई पहली बाइट से मैं आपको बता रहा हूँ भाई ग्रेवी इसकी लाजवाब है। दोबारा एक बार फिर से बाइट बना दो, बढ़िया सी बाइट बना लेता हूँ इस बार, ग्रेवी ज़्यादा लूँगा क्योंकि ग्रेवी में यार इसका बड़ा बड़ा टेस्ट आया था। चलिए भाई भाई शाही पनीर कढ़ाई पनीर उन दोनों से इसका अलग टेस्ट है, बिल्कुल अलग मीन्स अलग ही है, बिल्कुल अलग टेस्ट है। आपको हल्का हल्का सा इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आएगा जो कि भैया बता रहे थे हांडी पनीर, तो मुझे ये लगता है थोड़ा सा ये तो ग्रेवी है, ये जो पनीर है ये इन भैया ने शायद या तो ग्रिल किया होगा भाई, ये तो मुझे नहीं पता, तो ये तो बनाने के ऊपर वाले इनके बनाने के ऊपर बात है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो स्मोकी का फ्लेवर है और ये जो ग्रेवी है क्रीमिश ग्रेवी है इसकी बड़ी अच्छी, ये भाई दोनों मिलकर लाजवाब टेस्ट इसमें पैदा कर रहे हैं। थोड़ी सी ग्रीन चटनी रख लेता हूँ इस बार हल्की सी, ये परफेक्ट। तो भाई मेरी जो तलाश थी स्नैक्स की और एक बढ़िया सा लंच करने की वो यहाँ पे पूरी हो गई है। रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाई दिया था कितना नीट एंड क्लीन और डेकोरेटेड है। यहाँ पे हमने दो आइटम ट्राई किए भाई, पहला था हमारा सिजलर और दूसरा ये हमारा हांडी पनीर विद बटर नान, और मैं इनको बता रहा हूँ आपको ये 10 out of 10 ये आइटम है। यहाँ आके अब वैसे तो काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर दोस्तों सिजलर
यस ऑफ कोर्स हाईएस्ट सेलिंग और सबसे ज़्यादा टेस्टी है हांडी पनीर, जरूर ट्राई करना और हमेशा की तरह हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहना। चैनल का नाम याद रखना दोस्तों, आजा चकले।